भाई आरती शुरू हो चुकी है। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है केदार घाटी केदारनाथ धाम से श्री महादेव जी के दरबार में। तो अभी स्वागत है, शाम का टाइम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज चाहता हूँ कि आज आपको शाम की आरती भी दिखाई जाए श्री केदारनाथ धाम की। बाकी यार अभी कुछ ऐसा हो गया मौसम, और कल आपने दर्शन कर ही दिए होंगे ब्लॉग में केदार धाम के और भैरव भगवान जी के। देखे अभी कोहरा इतना लग चुका है, अब जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, स्टे करेंगे इधर, बेस कैंप है इधर, कैंप का भी है और आगे भी होटल्स वगैरह है, लेकिन वहाँ इतना महंगा है कि हम इधर ही 1 किलोमीटर पहले रहना पड़ा, तो आधे घंटे पहले निकल रहे हैं पैदल पैदल। दोस्तों अगर आपको पहले से ही प्री बुक करना है ना, तो जी एम वी एन के गेस्ट हाउसेस हैं यहाँ पे कैंप वाले, तो वहाँ पे आप प्री बुक कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा मुझे लग रहा है ऑन द स्पॉट के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से। तो जी एम वी एन अच्छा है, सभी सेम है, बाहर वाले और जी एम वी एन हर चीज़। तेज़ हवाएँ भी चल रही है और बारिश भी हो रही है, ऐसे में ये है कि हवा के साथ बारिश हो तो भीग जाते हैं, चाहे छाता हो ना हो, तो रेनकोट तो ज़रूर रखें, और छाता रखना चाहते हो तो वो भी अच्छा ही है। तो यहाँ पे भाई HDFC का जो है ATM बैंक भी है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। बाकी अभी कोहरा थोड़ा खुलना स्टार्ट हो गया, थोड़ी देर में बारिश बंद होगी तो और बढ़िया नज़ारा लगेगा। 6 बजे हम आधे घंटे में 5:30 से 6 पहुँच चुके हैं। बाकी कैंप कहीं पे भी लगाए हुए हैं लोगों ने, जो खुद के साथ भी लाते हैं, जिनके पास नहीं है वो कैंप में यहाँ रह सकते हैं। देखिए जगह जगह आपको कैंप दिखेगा। तो अभी शाम के मौसम ऐसा है, पूरे श्रद्धालु अभी भी दर्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब आरती होगी तब हम आएंगे, अभी थोड़ा सा और जगह एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए केदारनाथ भगवान की जय। तो भाई अब पहुंचे हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे ओम का स्टैचू है, देखिए कितना बड़ा। वाह, तो भाई देखिए, बाकी इधर से पूरा केदारनाथ धाम का नज़ारा है सभी। तो जी दोस्तों, भोले बाबा जी के पास एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं दर्शन के लिए। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, जय श्री केदार। अभी भी देखियो भाई, सुबह से रात तक मुझे लग रहा कि 10-11 बजे तक यहाँ पे ऐसे ही क्राउड, ऐसे ही रश रहता होगा श्रद्धालुओं का। तो भाई क्या चहल पहल लग रही है यहाँ पे, अभी सब आरती के लिए रुके होंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, कितना प्यारा एक जो दृश्य रहता ना यहाँ पे देखने लायक होता, उसी का इंतजार था वर्षों से, और आज वो पूरा होगा सपना मेरे साथ आप लोगों का। तो भाई आरती शुरू हो चुकी है।
मंदिर पे गया वैसे मतलब तुम पंडित हो अरे भाई अरे भाई तू कहीं पहुंच गया तो दोस्तों फाइनली पूरी आरती फिनिश हो चुकी है। वीडियो पूरी नहीं बना पाया कॉपीराइट इशू की वजह से, बारिश भी हो रही थी, भीग रहे थे, बहुत मजा आया बहुत। कैसे ये एक डेढ़ घंटे निकल गए ना आरती करते करते, खड़े खड़े पता नहीं लगा हर सच में। बहुत भव्य शक्ति है यहाँ पे, उसको महसूस इस टाइम पे हुआ सच में, बहुत मजा आ गया। अब जाने की तैयारी है कैंप में, बारिश से पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं, तो कुछ ऐसा है भाई अभी रात का नज़ारा। और बाबा जी से बस अरदास है, प्रार्थना है, फिर से बुलाएं बाबा जी, इसी साल बुलाएं भाई, अगले साल का वेट तो मुझसे नहीं होने वाला है, इसी साल बुलाएं बाबा जी, जय हो केदार। तो इतनी जनता जो है अभी आरती में थी, देखिए शाम की आरती में, और अब सब जाएंगे अपने अपने कमरों में, अपने अपने कैंप में, जैसे हम भी जा रहे हैं देखें। और इधर से मुझे लग रहा प्रसाद खरीदना पड़ेगा घर पे ले जाने के। रॉबिन, तो दोस्तों अभी जाने की तैयारी थी, लेकिन जो दिन में हमने कुंड देखा था ना, मुझे मालूम नहीं है किस चीज का है, और बट अंदर देखें यहाँ रेतस कुंड है, रेतस कुंड है, यहाँ पे भोले का नाम लेने से पानी में बुलबुले उठता है। भोले देखा तूने, भोले हर हर शंभु महादेव, भोले बार बार नहीं हो रहा भैया, भोले। अब देखते किसकी, जो इस आई से पहली बार है ना, अरे नहीं ऊपर से टपका है, टपका कहाँ टपका वहां अंदर, भोले। तो मुझे ऐसा लग रहा अंदर शिवलिंग, भोले है, भोलेनाथ हर हर महादेव। तो देखा दोस्तों आपने करिश्मा, ये है एक कुंड है, और मुझे लगा शिवलिंग भी अंदर है, और उस कुंड में अगर आप भोले भगवान जी का नाम लेते हो दिल से तो बुलबुले उठने लग जाते हैं पानी। फिलहाल चलते हैं आगे, और बहुत अच्छा दिन रहा यार, मतलब बेस्ट डे आप कह सकते हैं एवर एवर एवर। बोले दिक्कत बहुत हुई बारिश से कीचड़ से, बट जो ऐसा लग रहा ना कि इतना बड़ा काम इतने सालों से करना था वो तो कर ही दिया भाई, हर हर शंभु। जय बोले बाबा, फिर से बुलाना है ये देख। तो भाई रात का नज़ारा कुछ ऐसा है अपने केदार घाटी का, ये देखिए। तो भाई नीचे देखिए फुल कैंप लगे हुए हैं। तो भाई रात भर तो मुझे लग रहा कि श्रद्धालु चलते रहते हैं आते रहते हैं, कुछ पहुंच रहे हैं कुछ आधे रास्ते में कुछ कहीं, ये देखिए। दोस्तों आ चुके हैं हम खाना वगैरह खा करके और दर्शन करके, शाम के टाइम पे भजन कीर्तन आपने भी लाइव में देखा होगा होप सो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे नहीं आ पाया क्योंकि इंटरनेट इतना अच्छा चल नहीं रहा था, ब्लर ब्लर दिख रहा था। बाकी हम आ करके खाना खा करके अब सोने जा रहे हैं, तो सोने का ये है अपना एरिया, बल्ब भी नहीं जल रहा आज यहाँ पे। तो फिलहाल इसी के साथ दोस्तों ब्लॉग करते हैं एंड, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय मानंदा देवी, जय हनुमान जी, जय लोकपाल महाराज की, जय केदारनाथ रह गए, जय केदारनाथ भगवान की, सो जा भाई सो जा।